अस्सलाम वालेकुम। आज रमज़ान स्पेशल में हमारे किचन में बन रहे हैं पोटैटो स्माइली। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी हो ये, आप जब अफ्तार में बनाएंगे तो आपके बच्चे खुश हो जाएंगे। तो जिसके लिए ये मैंने बॉईल किए हुए आलू लिए हैं जिसको मैंने मैश कर लिया है। इसमें कोई लम्स नहीं है, बिल्कुल अच्छे से मैश किया है। आप चाहें तो इसको ग्रेट भी कर सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले डालेंगे नमक, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और साथ ही इसमें हम डाल देंगे ब्रेड क्रम्स। ये होममेड ब्रेड क्रम्स हैं और ये मैं बनाना बता चुकी हूँ, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल अच्छे से। आप चाहें तो हाथ से मिक्स करें, मैं इसको हाथ से करूँगी ताकि इसका एक डो बनाना है हमने। तो ये देखिए, ये डो की फॉर्म में आ गया। अब हम इस पर थोड़ा सा ऑयल जो है वो ग्रेस करेंगे। इसको अच्छे से अब हम एक बार गूंद लेंगे। तो ये डो रेडी हो गया है। अब हम दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। तो अब हमने हथेलियों को ऑयल से ग्रेस कर लिया है और थोड़ा सा मिक्सचर उठाएंगे इस तरह से और इसको फ्लैट कर देंगे। हाथ से ही करें, चाहे तो बैलेंस से भी कर सकते हैं, और आप चाहे तो ज़्यादा अमाउंट लेकर एक साथ इसको बना सकते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा करके बनाऊंगी। तो हमने इसको स्प्रेड कर लिया। अब आप इसको किसी भी कटर से काट सकते हैं, ये कटर नहीं है तो मैं इसको ग्लास से कट कर रही हूँ। मुझे ग्लास का शेप बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। इस तरह से इसको हम काट देंगे और एक और तरह से, तो इसका एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो हम हटा लेंगे। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ, इसकी मोटाई देखें, बिल्कुल इतनी होनी चाहिए, परफेक्ट है। तो पहले हम सारे बना लेते हैं, इसके बाद हम इसके स्माइली फेसेस बनाएंगे। तो सारे शेप हमने रेडी कर लिए हैं, अब हम इसका स्माइली फेस बनाएंगे। तो आंखें बनाने के लिए स्ट्रो लिए हैं हमने, इस तरह से डालकर इसको थोड़ा सा हम रोटेट करेंगे, इससे आंख जो है वो थोड़ी सी एक्सपोज होने लग जाएगी, यानी थोड़ी और बाल से होने लग जाएगी, क्योंकि आंख थोड़ी बड़ी बनानी है। तो इस तरह हम ये दूसरी भी बना लेंगे इस तरह से। और अब इसका स्माइली फेस बनाना है तो वो हम बनाएंगे चम्मच से इस तरह से। तो ये अभी मैं उठाकर दिखाती हूँ आपको, ये देखें बनके रेडी हो गया स्माइली फेस। तो इसी तरह हम सारे बना लेंगे। तो ये सारी स्माइलीज को हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो अब हम हमारी पोटैटो स्माइलीज को फ्राई करेंगे। तो ऑयल को मैंने मीडियम फ्लेम पे गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम इसमें हमारी स्माइलीज डाल देंगे। हम इनको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी देर बाद हम इसे टर्न करना शुरू करेंगे, और जैसे ही ये लाइट गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प हो जाएंगी तो इन्हें निकाल लेंगे। मगर इन्हें डालते ही टर्न नहीं करना, वरना ये टूट जाएंगी। तो ये हम डाल देंगे। तो ये देख सकते हैं आप, हमारी स्माइलीज जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त से क्रिस्पी से एकदम करारे से बन के रेडी हो रहे हैं। थोड़ा सा अभी और फ्राई होंगे, इसके बाद हम इसे डिश आउट करेंगे। बड़े क्रिस्पी से बन रहे हैं। तो आप इसे तार में बना कर अपने बच्चों को खुश कर दीजिएगा। तो ये फ्राई हो गए हैं, इन्हें हम निकाल लेंगे। तो ये हमारे बहुत ही मज़ेदार से पोटैटो स्माइली बनकर रेडी हो गए हैं। आप इस रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।